एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डार्क सर्कल्स आप कैसे ठीक कर सकते हैं 3 दिनों के अंदर। और गाइज, डार्क सर्कल्स होना बहुत आम बात है, नेचुरली आपको हो जाते हैं ये। तो गाइज, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट गाइज, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए। बट अगर आप मेरी बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो 3 दिन के अंदर आप अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैं यहाँ पे बात कर रही थी डार्क सर्कल्स की। बहुत ज़्यादा आम बात है गाइज, मुझे भी थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। हालांकि मैं अपनी स्किन का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखती हूँ, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखती हूँ, उसके बावजूद भी मेरी स्किन पे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लाइट हैं, बट है मेरी स्किन पे डार्क सर्कल। एंड गाइज, नॉर्मल बात है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपके साथ एक जेल शेयर करूँगी जो आप लगाएंगे तो आपके 3 से 7 दिनों के अंदर आपके डार्क सर्कल रिमूव हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपका स्किन हाइड्रेट दिखेगी और बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखेगी। आपके स्किन टोन को भी अच्छे से ये मेंटेन करके रखिएगा ताकि आपकी स्किन एकदम से ग्लोई फ्लॉलेस लगे। तो गाइज, मैं यहाँ पर बता दूँ, फर्स्टली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो आपको पानी की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। आपको दिन में 8 से 10 गिलास पानी नॉर्मली पीना है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड गाइज, समर्स चल रहे हैं, समर्स में आप अपनी स्किन अपनी बॉडी को एकदम हाइड्रेट रखिए जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस लगे एंड ग्लोई लगे। गाइज, सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप पानी नहीं पीते तो इसके कारण भी आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। एंड गाइज, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि अगर आप नाइट में बहुत बहुत लेट तक 2-3 बजे तक अगर आप नहीं सोते हैं, अगर आप जागते रहते हैं, तो गाइज वो भी एक आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज, आपको सो जाना है टाइम से। और गाइज, अगर आप नहीं सोएंगे तो आप किसी भी तरह का इलाज कर लीजिए, कोई भी ट्रीटमेंट आप अपनी डार्क सर्कल्स के लिए कर लीजिए, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा तब तक आप अपनी स्किन को, अपने फ़ोन को और नाइट में आप अपने फ़ोन को दूर नहीं रखेंगे तब तक, या फिर नाइट में आप जल्दी नहीं सोएंगे तब तक आप किसी भी ट्रीटमेंट का असर आपकी स्किन पे नहीं होगा। तो गाइज, ये ही 2 पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी से आप इसको छोड़ दीजिए, आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लोई दिखने लग जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँगी एक जेल जो आपको बनाना है एंड आपको उसको लगाना है। 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर आपके साथ बताऊँ शेयर करूँगी। अगर आप एक पॉइंट से यहाँ पर नहीं ठीक होते हैं तो नेक्स्ट सेकेंड चीज़ आप देख सकते हैं, तो उसको आप ट्राई करेंगे तो शायद उससे आपकी स्किन ठीक हो जाए, आपके डार्क सर्कल्स। तो गाइज, हम शुरू करते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले यहाँ पर एवॉन के कैप्सूल, आप देख सकते हैं केमिस्ट की दुकान से बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे। गाइज, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे। एंड ये पाउच मुझे अराउंड 30 रुपीज़ का पड़ा था, और आप देख सकते हैं, ले सकते हैं आप इसको। और गाइज, इसके अंदर से मुझे चाहिए एक कैप्सूल लेंगे हम। अगर आप 1 हफ्ते के लिए बना रहे हैं या फिर 5 दिनों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन तो गाइज, आपको चाहिए होगा सबसे पहले एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल। गाइज, आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। एंड गाइज, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको ये मिल जाएगा। और आपको इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसको ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, गाइज इतना एलोवेरा जेल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। इथामेडी को मैं खुद यूज करती हूँ और मेरी स्किन पे बहुत जल्दी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और गाइज उसको रिमूव करना भी मुझे पड़ता है क्योंकि स्किन बहुत अच्छी नहीं लगती है हमारे डार्क सर्कल्स के होने के बाद। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल डालना है आपको। एंड गाइज, इसके बाद कुछ इस तरीके से ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है कैप्सूल और एलोवेरा जेल। और गाइज, अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे स्पून की हेल्प से। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये क्रीम बन जाएगी कुछ ही सेकंड में आपकी क्रीम बन जाएगी। तो गाइज, आपका ये जेल बनके तैयार है, कुछ इस तरीके का आपको ये जेल दिखेगा। गाइज, आप देख सकते हैं,
वाइट एंड ग्रीन, लाइट ग्रीन आपको ये दिखेगा यहाँ पर। एंड गाइस इस जेल को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं आपके स्किन पर, अगर आपके स्किन पर कहीं पिगमेंटेशन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगाना नहीं खरीद रहे हैं आप इसको विटामिन सी नाइट क्रीम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है गाइस ये डार्क सर्कल्स के लिए। तो मैं अब आपको बताऊँगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है आपको। तो गाइस बिल्कुल थोड़ा सा आपको इतना सा लेना है इसको, एंड गाइस इसको दोनों फिंगर्स में मैं इस तरह से ले लूँगी एंड आपको इस तरह से अपनी अंडर आई के नीचे अप्लाई करना है गाइस। एंड गाइस आप इसको इस तरह से ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर की तरफ भी डार्क सर्कल्स होते हैं। एंड इसको इस तरीके से अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में 2-3 बार आपको बस इस तरह से फिंगर को अपनी अंडर आई की तरफ फेरना है। एंड गाइस आप फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आंखों के नीचे इसको अप्लाई कर लिया है। एंड गाइस अब इसको आपको नाइट में अप्लाई करना है, नाइट में आपको 3 दिन तक इसको अप्लाई करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसको देखने के मिलेंगे। तो आपको नाइट में अप्लाई करना है बेड पे जाने से पहले, मतलब सोने से पहले, और आप इसको लगा के अच्छे से सो सकते हैं और सुबह उठ के आप नॉर्मल फेस वॉश कर लीजिए, आपकी स्किन को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रेमेडी है डार्क सर्कल्स के लिए, तो आप इसको यूज़ कीजिए एंड मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आपको ये DIY जेल समझ में आया हो तो बहुत कम आपको इसको लगाना है क्योंकि ये जेल है। तो गाइस नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँगी, अगर आप इस क्रीम को नहीं बनाना चाहते तो आपको क्या करना है। तो गाइस आप ले सकते हैं कुकुम्बर लेना है आपको, खीरा लेने के बाद आपको उसको कद्दूकस कर लेना है, कद्दूकस करने के बाद आपको उसको छान लेना है, छानने के बाद गाइस आपको इस तरह की स्प्रे बॉटल में उसको डाल लेना है, ये रोज वाटर है बट इसको नहीं, इसके इस तरह स्प्रे की बॉटल आपके पास कोई भी एम्प्टी पड़ी हो तो गाइस उसके अंदर डाल लेना है और इसको आपको स्प्रे करना है अपनी आंखों को बंद करके कुछ इस तरीके से। स्प्रे करने के बाद गाइस आप सो सकते हैं क्योंकि गाइस जो कुकुम्बर होता है उसके अंदर आपकी अंडर डार्क सर्कल्स को रिमूव करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। तो गाइस जिससे कि आपकी स्किन के अंदर डार्क सर्कल्स पड़ते हैं तो गाइस बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपके डार्क सर्कल्स को ट्रीट करेगा। एंड गाइस उसको रोज टोनर को आपको डेली लगाना है और डेली लगाने के बाद आप 7 दिन के अंदर देखेंगे कि कुकुम्बर से आपके जो डार्क सर्कल्स है वो रिमूव हो जाएंगे डेफिनेटली। एंड गाइस मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये दोनों, तो गाइस मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ये जेल मैंने आपको बनाना बता दिया है बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं। एंड आप इसको किसी भी शीशी में इसको छोटे कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको डेली बना के रोज अप्लाई कर सकते हैं। और आप गाइस यकीन नहीं मानेंगे, आप इसको बनाकर छोटे कंटेनर में 2 महीने तक रख सकते हैं और ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर में आपको इसको रखना है और आप इसको रात में लगाइए और सो जाइए, 3 दिन के अंदर आपके डार्क सर्कल्स एकदम ठीक हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।